हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का उम्मीद से स्वागत है आप सभी के चैनल उम्मीद में। आप सब कैसे हैं मुझे जरूर बताना। मैं अच्छी हूँ। सो आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आप साउंड के द्वारा किस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं अपने घर की, अपने ऑफिस की, अपने रूम की, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें करने की हमारे पास टाइम नहीं होती है, सिर्फ कुछ चीजें अवेलेबल होती है जैसे कि साउंड। और कुछ साउंड तो मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो आपको खुद को करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप लगा दीजिए और वो खुद ब खुद अपने काम करती रहेंगी। सबसे पहला जो होता है कि हमारे पूजा घर पे जो बेल्स रहती है, जो घंटी रहती है ना, बस आप पूरे घर पे उसे बजाइए, हर कॉर्नर पे जाके बजाइए, अपने ऑफिस रूम पे जाके बजाइए, पूरे घर के हर एक कॉर्नर, हर एक जगह पे उस बेल को रिंग कीजिए। और वो जो ध्वनि है, वो जो साउंड है, वो काम करे कि पूरे आपके घर के वाइब्स को, एनर्जी को बूस्ट करने की, वो जो नेगेटिविटी है उसको क्लींस करने की, पॉजिटिव ऊर्जा भरने की काम करेगी। नेक्स्ट है क्लैपिंग। जी हाँ, फनी लगता है बट ये जो क्लैपिंग से जो साउंड निकलती है, जो ध्वनि पैदा होती है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है। बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी आप क्लैपिंग करें, आपका इंटेंशन बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो, किसी चीज को लेके या किसी को भी लेके या किसी भी सिचुएशन को लेके, एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आप क्लैप कीजिए। और उस इंटेंशन के साथ जब आप क्लैप करते हैं ना, और वो जो ध्वनि, वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है जो कि आपके घर को, आपके ऑफिस को बहुत अच्छे से क्लींस करती है। वो आपके घर पे एक पॉजिटिव एनर्जी भर देती है, नेगेटिविटी को दूर करती है। नेक्स्ट है जस्ट वाइन चाइम्स। आप इसे ला के घर पे लगा दीजिए और फिर जब भी हवा चलेगी और इसकी जो ध्वनि प्रोड्यूस होगी, जो साउंड निकलेगा ना, वो खुद ब खुद आपके घर से स्लोली स्लोली नेगेटिविटी को दूर भगाएगी, वो जो ब्लॉकेजेस है उसको क्लियर करेगी। सो ये काफी मैजिकल होते हैं। बस वन टाइम लाके लगा दीजिए और वो स्लोली स्लोली काम करती रहेगी। बट हाँ, एक चीज हमें से याद रखना है कि इसको क्लींजिंग की और चार्जिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। भले ये बहुत इजिली मार्केट पे अवेलेबल है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ सोपीस के लिए लगा दो। लोग लगाते हैं सिर्फ सजाने के लिए, बट इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है, इसका बहुत काम होता है पॉजिटिव वे पे। सो इसकी क्लींजिंग करते रहें, इसे प्रोग्राम करते रहें, चार्ज करते रहें, तो ये रियल में आपको वो ट्रू रिजल्ट देगी जो इसका काम है। सो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ कुछ चीज सिर्फ सजावट के लिए नहीं होती है, उनका रियल में कोई मीनिंग होता है। सो आप उसे उसी तरह से यूज करें, उसी तरह से प्रोग्राम करें। उसके बाद है जो बहुत ज्यादा नेचुरल है बट हम डर जाते हैं, थंडर स्टॉर्म, यस बिजली। बिजली जब कड़कती है ना तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बट बिजली कड़कने से जो नेचर का जो साउंड होता है, उसका जो साउंड होता है वो बिल्कुल नेचुरल होता है। और उसके कड़कने से हमारे आसपास की वाइब्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर एंड पॉजिटिव हो जाती है। बहुत ज्यादा जो नेगेटिविटी होती है वो ब्लॉकेज दूर हो जाती है। सो नेक्स्ट टाइम इससे डरिए मत, बट जब भी बिजली कड़के, थंडर स्टॉर्म का मौसम बनने लगे, अपना इंटेंशन सेट कीजिए कि वो जो ध्वनि है, वो जो आवाज है, वो आपके घर के चारों ओर को, एरिया को क्लींस कर रही है। वो जो वाइब्स है वो क्लींस हो रही है, बैड वाइब्स, नेगेटिविटी दूर हो रही है, पॉजिटिविटी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो भरती जा रही है। क्योंकि जब वो साउंड आएगी और आपका इंटेंशन जब उसके साथ मैच होगा ना, तो वही रिजल्ट आपको मिलेगा जो उसका नेचर है। क्योंकि थंडर स्टॉर्म का नेचर ही होता है कि वो हमारे चारों ओर को क्लींजिंग देती है। सो अपने इंटेंशन को उस टाइम बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखें और उसका जो बेनिफिट है वो आप महसूस करें। सो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपने साउंड के थ्रू क्लींजिंग का जो चैप्टर है उसे मैंने काफी हद तक आपको अच्छे से समझाया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर लिखे, बस नेगेटिविटी ना फैलाए, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।